28 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ, जिनमें 18 को हम पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसे ट्वीट किया। देखते ही देखते हिंदुस्तान और इंडिया टुडे ग्रुप के गुड न्यूज टुडे जैसे मीडिया आउटलेट्स ने ये दावा पब्लिश किया। देखने वाली बात यह है कि इस दावे को लेकर सर्च करने पर हमें द टाइम्स ऑफ इंडिया की 10 जून 2023 की ये रिपोर्ट मिली। इसमें बताया गया है कि बिहार के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी एनएच खान के हवाले से बताया गया है कि 9 जून 2023 को बिहार में रेल पुलिस समेत 38 जिलों में टोटल 44 साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। यहां इतना तो साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है जिसके सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया इस मामले पर अपनी 2023 की ये रिपोर्ट क्रॉस चेक कर सकता था बजाय योगी आदित्यनाथ के हवाले से रिपोर्ट में कथित दावा करने के। इसी मामले में और छानबीन करते हुए हमें द इंडियन एक्सप्रेस की 2016 की ये रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी जिलों में 34 साइबर लैब का उद्घाटन किया था। वहीं 2022 में हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 21 नए साइबर पुलिस स्टेशन को स्वीकृति दी थी। वहीं देश में सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कर्नाटक के बेंगलोर में खुला था। यहां इतना तो साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य नहीं है जिसके हर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ओपन किया गया हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान को बिना क्रॉस चेक किए मीडिया ने ज्यों का त्यों छाप दिया।